अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? आज मैं आपको बताऊंगा गोल्ड, बिटकॉइन, डाउ जोन्स, नैस्डैक और जीबीबीयूएसडी नोन एज पाउंड। सही है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि मार्केट टेक्निकल एनालिसिस क्या दिखते हैं, मार्केट कौन कौन से पेयर्स की, कौन कौन से कमोडिटीज की, कौन कौन से करेंसीज की बाइंग में है, सेलिंग में है, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। और इसी के साथ साथ किसी का कोई भी सवाल आ रहा हो, कोई भी मसला मसाइल आ रहा हो ट्रेडिंग में, मेंटोरशिप, एजुकेशन, सारी चीज़ों में हो रहा हो, आप लोग अपनी जो जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उन वीडियोस में पॉइंट्स अपने नोट डाउन कर लें कि आपको क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या चीज़ें चाहिए आप लोगों को, तो वो मुझे नोट डाउन करके सिर्फ मैसेज कर दें, क्योंकि मैं भी एंट्री लिस्ट कर रहा हूँ, मैं भी प्रॉपर लिस्ट बना रहा हूँ सब लोगों की जिन्होंने कॉमेंट्स में मुझे जवाब दिए, जिन्होंने मैसेजेस करे हैं, उन सबके मैं जो है प्रॉपर एक लिस्ट बना रहा हूँ, जो कि वेबसाइट पे जो सर्विसेज होंगी उन लोगों में, जिन लोगों ने पहले मुझे काफ़ी सारी चीज़ें भेजी उन लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स होंगी, ये सारी आप लोगों को चीज़ें मैं इंशाल्लाह अनाउंस करूँगा थोड़े ही टाइम में। चलें आ जाते हैं, चलें टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में हमें जो है आज गोल्ड की क्या सिचुएशन दिखती है। गोल्ड आज हमें यहाँ पे, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 48 का एरिया बताया था, 48 के एरिया को ब्रेक करती है प्राइस। अच्छा, ब्रेकआउट होता क्या है? ब्रेकआउट होता है कोई भी जो एरिया है उससे 20-30 पिप्स ब्रेक होता है तो वो ब्रेकआउट खिलाता है। अगर उससे कुछ माइक्रो पिप्स ब्रेक हों तो वो ब्रेकआउट नहीं कहलाता है। तो ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं हुआ था, फॉल्स ब्रेकआउट कह सकते हैं आप इसे, कि कुछ माइक्रो पिप्स गई थी मार्केट, लेकिन ये एक एरिया बन रहा था 1948 का। अच्छा, ये एरिया कौन सा बन रहा था? ये एरिया बन रहा था हेड एंड शोल्डर वाला। हेड एंड शोल्डर, दो हेड एंड शोल्डर बन रहे थे यहाँ पे प्राइस में। एक हेड एंड शोल्डर 48 पे बन रहा था, एक हेड एंड शोल्डर बन रहा था आपका, एक हेड एंड शोल्डर आपका बन रहा था 1975 पे। ये दो आपके पास हेड एंड शोल्डर बन रहे थे जिन पे प्राइस की रिट्रेसमेंट एरियाज भी बन रहे थे सेलिंग के, और हेड एंड शोल्डर भी बन रहे थे। अब प्राइस ने 48 के एरिया से जो यहाँ पे प्राइस ने सेलिंग दी है, ये बेसिकली उसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न करा है फॉलो। अभी प्राइस क्या सिचुएशन दे सकती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्रूशियल एरियाज बता रहा हूँ मैं आपको कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से प्राइस बाइंग हो सकती है, जहाँ से हम आखिरी एरिया देखते हैं बाइंग का, और सेलिंग का आखिरी एरिया कौन सा, हम सेलिंग के एरियाज कौन से देखेंगे, बाइंग के एरियाज कौन से देखेंगे, सारी चीज़ आपको बताऊँगा। बाइंग का हमारे पास आखिरी एरिया है जो कि बनता है 1917 का बनता है, लेकिन हमारा इसका SL बड़ा होगा, SL होगा इसका, हमारा होगा 1907 का SL होगा। मैं आपको ये चीज लिख के भी बता देता हूं यहां पे, बाय का SL होगा, SL 1907। यहाँ पे मैंने आपको SL भी लगा दिया है, 1907 का हमारा इसका SL होगा, और हम इसका बाय का एरिया भी बता रहा हूँ मैं आपको, नाइनटीन सेवनटीन कर लेते हैं हम, ये प्रॉपर एक क्लस्टर एरिया कर लेते हैं हम, ये हमारे पास क्लस्टर एरिया हो गया बाइंग के एरिया का हमारा। सही है, SL हमने छोटा रखा है, SL हमने बड़ा नहीं रखा। अब हमारा टेक प्रॉफिट किधर है? अक्सर लोगों को जो अल्फाज समझ नहीं आते हैं तो उनके लिए ही प्रॉपर मैं ये लिख के बता रहा हूँ। TP1 1925, और सेकेंड TP 1930, थर्ड TP
1945 और मैक्स टीपी भी बता देता हूँ, मैक्स टीपी 1962 का। ये हमारा बाइंग का एरिया बन रहा है, बाइंग के मैंने आपको गोल्ड की टीपीज बता दिए, एसएल बता दिए। अच्छा, अब हम गोल्ड को सेलिंग साइड किस साइड देखेंगे। ये तो हमने बाइंग साइड आपको गोल्ड दिखा दिया, सेलिंग साइड हम गोल्ड को किस तरफ देखेंगे। सेलिंग साइड जैसे ही ये वाला एरिया ब्रेक होता है 1915 टू 1917 का, तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हमारा एसएल हिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उस चीज़ की वजह से जैसे ये एरिया ब्रेक होगा तो आपने क्या करना है, ये एरिया ब्रेक हो प्राइस दोबारा आएगी आपके बाइंग प्राइस पे, प्राइस दोबारा आई आपके बाइंग प्राइस पे, आपने वहाँ पे अपनी बाइंग क्लोज कर देनी है। ये एरिया ब्रेक होने के बाद, जो एरिया मैंने आपको बताया 1915 टू 1917 का, ये एरिया ब्रेक हो गया। ये एरिया ब्रेक होने के बाद आपकी जब दोबारा प्राइस उस एरिया पे आई, आपने अपनी ट्रेड ब्रेक इवन पे ही क्लोज कर देनी है, 5-10 पे नेगेटिव में क्लोज कर देनी है। उसके बाद आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जो जो मैंने आपको कैंडल्स बताई हैं वो कैंडल्स M5 और M15 पे देखेंगे, और जैसे वो कैंडल फॉर्म होंगी वहाँ से आप सेलिंग पोजीशन ले लेंगे। और सेलिंग टारगेट हमारा पहला सेलिंग टारगेट होगा 1900 का, दूसरा वो 1905 का होगा, दूसरा टारगेट होगा हमारा 1900 का, तीसरा टारगेट होगा हमारा 1895 का हमारा तीसरा टारगेट होगा, और हमारा चौथा टारगेट होगा उसका 1880 का। बस ये हमारे ये टारगेट्स होंगे, इससे ज़्यादा हम मैक्स टारगेट पे नहीं जाएंगे। सेलिंग और बाइंग दोनों गोल्ड की दिखा दिए मैंने आपको, टारगेट्स भी बता दिए मैंने गोल्ड के आपको। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं डाउ जोन्स पे। डाउ जोन्स का मैंने आपको बाइंग बताई दी, डाउ जोन्स फिल वक्त भी बाइंग में ही चल रहा है, काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको बाइंग बताई दी डाउ जोन्स की। अच्छा, डाउ जोन्स कहाँ से क्या कर सकता है फिल वक्त, डाउ जोन्स का एरिया बन रहा है और जो कि बहुत अच्छा एरिया है, डाउ जोन्स को हम बाय कर सकते हैं 34180 से हम बाय कर सकते हैं। ये एरिया भी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से आप डाउ जोन्स को बाय कर सकते हैं, और आपका 100 पिप्स का एसएल होगा डाउ जोन्स में, और पहला टारगेट आपका होगा टेक प्रॉफिट का 50, और दूसरा टेक प्रॉफिट 100, तीसरा टेक प्रॉफिट आपका 200, ये आपका डाउ जोन्स का आपका टारगेट होगा। फिर हम आ जाते हैं US 30, उसमें नैसडेक में, US टेक का भी यही सिनेरियो है, वो भी बाइंग में जा रहा है। US टेक की कौन सा एरिया बनता है, US टेक का अभी US टेक का आपका एरिया बन रहा है 14036.87 का। ये जो आपको बाइंग इम्पल्सिव कैंडल दिख रही है, बाइंग की हैमर, यहाँ से आपने कोई कैंडल फॉर्मेशन देखनी है जब प्राइस इस एरिया पे आएगा, यहाँ से आपने बाइंग करनी है, और आपका एसएल जो होगा वो इस सेकंड लास्ट जो हैमर है आपकी, इसके नीचे आप इसके 20-30 पिप्स नीचे आपका एसएल होगा, और बाकी आपकी ट्रेड यहाँ पे होगी। इसके पीछे जो साइंस चल रही है, प्रॉपर सारी चीज़ें समझ चल रही है, ये आप लोग को सब चीज़ें मैं बताऊँगा इंशाल्लाह वेबसाइट पर, जब मैं आपको प्रॉपर टीचिंग कर दे रहा हूँ तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में तफसील से बताऊँगा। बहुत मज़ा आने वाला है, मज़ा आएगा आप लोग को रमज़ान इंशाल्लाह। आप सब भाइयों के इतने ज़बरदस्त रमज़ान जाएंगे, सकून से सब रोज़ा रखे होंगे और पैसा बना रहे होंगे मज़े से, सकून से एसी में लेट के। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं ऑयल में। ऑयल की मैंने आपको बाइंग बताई हुई थी, और ऑयल की बाइंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है। ऑयल की बाइंग कहाँ जा सकती है, कहाँ से ऑयल की बाइंग रुक सकती है और कहाँ तक जा सकती है। ऑयल की बाइंग का एरिया जो रुकने का है वो है 107.655, 107.655 का ये एरिया है। यहाँ से ऑयल अगर रिजेक्ट हो जाता है तो हो जाए, अदरवाइज ये एरिया ब्रेक हो गया तो उसके बाद फिर ऑयल एक सेलिंग देगा, जो कि आपकी सेलिंग बन सकती है। पहला एरिया 104 भी बन सकता है, 104 भी बन सकता है, दूसरा एरिया बन सकता है प्रॉपर 98 का। यहाँ से अभी आप ऑयल में दोबारा बाइंग की एंट्री ले सकते हैं। ऑयल बाइंग में आ गया, सारे बाइंग में आ गए। फिर हम आ जाते हैं बिटकॉइन पे।
बिटकॉइन क्या सिनेरियो दिखा रहा है हमें, जो लाइंस लगाई हुई थी आप देखें तो खूबसूरती देखें बस लाइनों की, जो लाइंस लगाई हुई थी उन्हीं लाइंस से प्राइस ने सेलिंग देना स्टार्ट करी, उसके बाद पे बाइंग भी थोड़ी बहुत उठी। अभी क्या सिनेरियो बन रहा है बिटकॉइन का? बिटकॉइन बहुत अच्छे एरिया पे है, ये एरिया ब्रेक करता है 41453.40 41,400 समथिंग का एरिया है ये वाला, आपको यहाँ पे एरिया दिख गया होगा 53 का एरिया है ये। इस एरिया को अगर प्राइस बाइंग साइड पे ब्रेक करती है तो फिर हम फर्दर बाइंग देखेंगे थोड़ी बहुत बीटीसी की, लेकिन इस एरिया से हम एक सेल ले सकते हैं, एक बहुत अच्छा एरिया है ये बीटीसी का। बीटीसी में जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो पैटर्न्स भी इस एरिया में अच्छे फॉलो हो सकते हैं, तो बीटीसी की भी ये सिचुएशन थी। फिर हम आ जाते हैं पाउंड में, पाउंड में जो आपको प्रीवियस मैंने एरियाज बना के दिए थे, मैंने आपको बोला था ये वाला एरिया ब्रेक होगा उसके बाद फिर प्राइस इसी एरिया से टेस्टिंग लेगी। तो अभी हम वीकली पे हैं, अब आ जाते हैं हम डेली में, डेली में क्या सिनेरियो दिखा रहा है देखें। डेली में भी इस एरिया से दोबारा प्राइस ने एक दफ़ा ब्रेक करा, फिर इस एरिया से टेस्टिंग लेके कितनी ट्रेड दी आपको, कितने पिप्स की। अच्छा जे बी यू एस डी में ज़्यादा आपको बड़े मूव मिलते नहीं हैं जैसे गोल्ड वाले मूव जो होते हैं उस टाइप के, यहाँ से भी आपको तकरीबन कोई 160 पिप की ट्रेड मिली है और बहुत ज़बरदस्त होती है 160 पिप की ट्रेड, अच्छी ज़बरदस्त ट्रेड मिली है इसमें आपको। चलें वीडियो की एंडिंग करते हैं। तो भाइयों ये आप लोग को मैंने टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस दे दिए थे गोल्ड बिटकॉइन डाउ जोन्स यूएस स्ट्रेटजी और यूएस टेक नैसडेक और जेबीयूएसडी पे और बिटकॉइन सब पे मैंने ऑयल पे भी मैंने आपको दे दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 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 मालिक का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी आ रही है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं इंशाल्लाह। बस जिस चीज़ में मैं लगा हुआ हूँ वो चीज़ होने वाली है, काउंट डाउन का टाइम बस स्टार्ट होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी आप लोगों को, और वो भी मार्केट के हिडन क्लूज बताऊंगा जो आप लोगों के सामने होते हैं हमेशा लेकिन हमें नहीं दिखते। हमें क्यों नहीं दिखते, हमें हमारी लालच नहीं दिखाती, हमें हमारी साइकोलॉजी आउट होती है, हमें वो चीज़ें नहीं दिखाती। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें इस मार्केट में फंसाती हैं, उन सारी चीज़ों का हल लेके आने वाला हूँ मैं। और रमज़ान बहुत ज़बरदस्त जाने वाले हैं सब भाइयों के, मेरा वादा है रमज़ान में हम सब भाई आराम से मिनिमम, मैं आपको बताऊं कि $500 इक्विटी वाला बंदा भी जो है, $500 से $1,000 इक्विटी वाला बंदा भी जो है डेली के $20 से $50 कमाएगा, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है। $500 से $1,000 वाला डेली का $20 से $50 कमाएगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। चलें इसी के साथ अपने अपने जितना हो जितने भी लोगों का ख्याल रखें, कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, पूछने से कॉल कर सकते हैं, कॉल करने से पहले प्रॉपर अपना मैसेज कर दीजिएगा मुझे, इसमें आपका जो भी सवाल हो आप मुझे वो लिख के दे दीजिएगा ताकि फिर मैं आपकी कॉल पिक कर सकूं। तो ये बाकी अपना आपने जितने भी लोग हैं उनसे कोई ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ ऑल।